हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट के बारे में जिसका नाम आपका है थ्योडोलाइट। अब देखो, थ्योडोलाइट जो है वो आपका हॉरिजॉन्टल एंगल और वर्टिकल एंगल दोनों एंगल्स का मेजरमेंट अच्छे तरीके से कर सकता है। इसके अलावा अगर इसके यूज़ देखते हैं तो इसके यूज़ को देखते हुए हम इसको एक तरह से यूनिवर्सल इंस्ट्रूमेंट हम यहाँ पर इसको कह सकते हैं, है ना। तो इसका थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके हम यहाँ पर जो भी इंस्ट्रूमेंट या जो भी डिजायर्ड चीज़ हमें चाहिए हो, उस डिजायर्ड चीज़ के लिए हम डिजायर्ड इंस्ट्रूमेंट की हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात कर लूँ आप लोगों से, तो सबसे पहली चीज़ कि अगर यदि आपको किसी भी सर्वे लाइन के ऊपर कोई पॉइंट को अगर आपको लोकेट करना है, तो लोकेट करने के काम आपका थ्योडोलाइट आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अगर यदि आपको कोई सर्वे लाइन है, उस सर्वे लाइन को अगर आपको प्रोलोंग करना है, तो प्रोलोंग करने के भी आपके पास काम कौन आ जाएगा, थ्योडोलाइट आ जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अगर आपको रेंजिंग करनी है ना, तो रेंजिंग कर्व करनी, मतलब कर्व की रेंजिंग करनी है आपको, तो वहां पर भी आपके पास काम कौन आ जाएगा, ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो थ्योडोलाइट आपके सब जगह काम आ जाएगा, ठीक है। तो अब चाहे वो दोनों पॉइंट्स एक दूसरे से इंटरविजिबल हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। इसके रिगार्डिंग कुछ एक डेफिनेशंस हैं, उन डेफिनेशंस को भी मैं यहाँ पर एक एक करके आपको लिख के सामने बताने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा देखो, अगर मैं कह दूं कि दो पॉइंट्स के बीच का लेवल डिफरेंस निकालना है हमें, है ना, एलिवेशन का डिफरेंस निकालना है, तो एलिवेशन का डिफरेंस निकालने के लिए भी आपका थ्योडोलाइट यहाँ पर काम आ जाता है, ठीक है। अब देखो थ्योडोलाइट कैसा होता है, किस तरह से हम इसके अंदर यहाँ पर मेजरमेंट लेते हैं, किस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन होता है, सारी बातें कर लेते हैं। सबसे पहले थ्योडोलाइट मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ, है ना, ठीक है। अभी एक एक करके पहले इसके कंस्ट्रक्शन को समझेंगे, फिर बेसिक डेफिनेशन के ऊपर आएंगे, फिर बेसिक डेफिनेशन से हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर ये सारी चीज़ें, सारे के सारे सर्वे आपके परफॉर्म करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर इसका सेक्शनल व्यू दे रखा है मैंने, ना, तो क्रॉस सेक्शन बीच में से काट के दिखा रखा है, तो इसमें कुछ चीजें आपको इसमें दिखेगी, कुछ चीजें आपको इसमें दिखेगी, ठीक है। अब देखो सबसे पहली चीज, यहाँ पर नीचे जो है, यहाँ पर लेग्स लगे हुए हैं, ये तीन लेग है ना, एक ये और एक यहाँ पर पीछे की तरफ है ना, ठीक है। तो तीन लेग्स है ये आपके पास, तो इसको बोलते हैं हम यहाँ पर ट्राइपॉड। क्या बोलते हैं इसको, हम यहाँ पर ट्राइपॉड बोलते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ ट्राइपॉड लेग, ठीक है, ये ट्राइपॉड लेग, ट्राइपॉड लेग के ऊपर में यहाँ पर ट्राइपॉड का हेड होता है, जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, इस पूरे इंस्ट्रूमेंट को हम यहाँ पर फिट कर देते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट आपका है थ्योडोलाइट, ठीक है, थ्योडोलाइट। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, तो यहां तक जो यहां पर हेड है ना, जिसके ऊपर यहां पर फिट होने वाला पूरा इंस्ट्रूमेंट, इस हेड को हम यहां पर बोल देंगे क्या, ट्राइपॉड हेड। ये ट्राइपॉड हेड की बात भी हो गई मेरी, बिल्कुल क्लियर। अब आती है यहां पर एक ट्राइविट। तो देखो जो सबसे बेस्ट लेवल होता है ना हमारा, किसी भी थ्योडोलाइट का हमारा जो बेस्ट लेवल होता है, यहां पर दो प्लेट दिख रही है, एक प्लेट ये दिख रही है, एक प्लेट ये दिख रही है ना, इसको मिटा देता हूं मैं। देखो दो प्लेट दिख रही है, एक प्लेट ये वाली दिख रही है, एक प्लेट आपको ये वाली दिख रही है ना, दो प्लेट दिख रही है। इन दोनों प्लेट के अंदर अगर मैं बात करूं, तो देखो एक का नाम होता है आपका ट्रिब्रेक और एक का नाम होता है आपका ट्राइवेट, ठीक है। ये तो ट्राइवेट है और ये आपका ट्रिब्रेक है। अब देखो ये दोनों आपका क्या काम करती है, देखो दोनों का बात समझ लेना अच्छे तरीके से। देखो इनके अंदर यहाँ पर ये खांचे बना होता है, देखो इसके अंदर तो खांचा बना होता है, ये खांचा आपके पास क्या कर जाएगा, सीधा यहाँ पर ट्राइपॉड के अंदर क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। सबसे पहली चीज कि सर ट्राइवेट क्या काम आती है, ट्राइवेट आपकी फिट कर देती है इंस्ट्रूमेंट को, थ्योडोलाइट के इंस्ट्रूमेंट को, किसके साथ, ट्राइपॉड के साथ, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर यहां पर कुछ स्क्रूज दिख रहे होंगे आपको, टोटल तीन या चार स्क्रू रहते हैं, वैसे जनरली देखें तो तीन स्क्रूज रहते हैं, बाकी यहां पर कभी कभी चार भी दिख जाते हैं किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर, तो तीन या चार स्क्रूज आपको यहां पर जनरली देखने को मिलेंगे। अब ये इंस्ट्रूमेंट आपका क्या काम करेंगे, अब देखो ट्राइपॉड आपने यहां पर लगा हुआ है, ये ट्राइपॉड के मैंने यहां पर खोल रखा है, ट्राइपॉड खोला, ट्राइपॉड खोल के उसके ऊपर इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है ना। अब जरूरी थोड़ी इंस्ट्रूमेंट मेरा बिल्कुल सीधा हो सकता है मैंने ऐसा कर दिया हो, ऐसे कर दिया हो, ऐसा हो, ऐसा हो सकता है, जमीन कैसी भी हो सकती है आपके पास, है ना, तो हो सकता है मेरे पास अंडुलेशंस हो वहां पर उस पर्टिकुलर जगह पे, तो पर्टिकुलर जगह पे अंडुलेशंस आपको देखने को मिल सकते हैं, इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर इसको बैलेंस करना पड़ेगा, या फिर मैं कह दूं तो कुल मिला के आपको इसको लोकेशन को आपको सेट करना है, यानी कि टेढ़ा मेढ़ा नहीं रखना है आपको, बिल्कुल स्ट्रेट रखना है ना। तो स्ट्रेट रखने के लिए आपके पास क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत वहां पर सेट करना पड़ेगा। तो इसके अबाउट में, इसके थ्रू ये क्या है हमारा, ये हमारा है ट्राइब्रेक। तो ट्राइब्रेक के लिए आप यहाँ पर लेवलिंग स्क्रू काम में आते हैं, जिसके थ्रू आप यहाँ पर क्या कर पाएंगे, इसको लेवल कर पाएंगे, यानी कि थ्योडोलाइट को लेवल करने के लिए, कि थ्योडोलाइट मेरा टेढ़ा मेढ़ा नहीं रह जाए, इसके लिए हमारे पास काम कौन आते हैं, लेवलिंग स्क्रू काम में आते हैं, और साथ के साथ बात करूं तो ट्राइब्रेक आपके पास काम आता है ना। तो आप यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर आप अच्छे से सेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखो एक एक करके बताऊंगा आपको, ठीक है। और जब इसको सेट करेंगे तो सेट इसको दोनों डायरेक्शन में करते हैं हम। अब देखो दोनों डायरेक्शन में सेट करने की बात क्यों कह रहा हूँ मैं, यहाँ पर देखो आप, है ना, आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं यहाँ पर। देखो ये देखो इसको सेट करने के लिए आपके यहाँ पर स्क्रूज कैसे काम में आएंगे। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर जब हम यहाँ पर लेवलिंग करते हैं ना, इसको लेवल करते हैं, लेवलिंग करते हैं, तो लेवल करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि देखो लेवल है ना दो डायरेक्शन में करते हैं हम यहाँ पर। देखो एक होता है देखो इस डायरेक्शन में लेवल करना। अब देखो मान लो ऐसे है, तो ये क्या है इसकी, ये दो इसको ऐसे दिखाता हूँ ना, तो ये दो तरह से लेवलिंग बिगड़ी हुई है इसकी, है ना। तो एक तो इस तरह से करेंगे और एक इस तरह से करेंगे, ठीक है। तो दोनों तरह से आपके पास लेवलिंग यहाँ पर बिगड़ी हुई है, थोड़ा सा फ्रंट नहीं है। देखो ये देखो
ठीक है। तो देखो अगर यदि ये है, ये दोनों तरह से, अब देखो अब मैंने दोनों तरह से लेवलिंग बिगाड़ दी, एक तो ऐसे करा फिर ऐसे किया, मतलब आपकी तरफ करें तो ऐसे करें, ठीक है। तो देखो ऐसा है आपके पास, एक तो ये लेवल किया फिर आपने ये लेवल किया, ठीक है। तो दो तरह से आपको यहाँ पर लेवल करना पड़ेगा, एक इस डायरेक्शन को लेवल करना पड़ेगा, एक इस डायरेक्शन को लेवल करना पड़ेगा, है ना। तो दो जगह से लेवलिंग करेंगे, लेवलिंग करने के लिए आपके पास लेवलिंग स्क्रूज आपके पास यहाँ पर काम आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पर स्पिंडल लगा होता है, दो स्पिंडल है, एक है इनर स्पिंडल, एक है आपका आउटर स्पिंडल। अब देखो इनर स्पिंडल क्या होता है, आउटर स्पिंडल क्या होता है, ये बात भी जान लेते हैं। तो देखो यहां पर अगर मैं बात करूं आपसे, तो देखो दो खांचे होते हैं ना जो एक दूसरे के ऊपर घूम सकते हैं, दो खांचे एक दूसरे के ऊपर घूम सकते हैं। मान लो इसको रोटेट करा रहा हूं मैं, ये मेरा रोटेट हो रहा है ना, ये मेरा रोटेट हो रहा है, पैन मेरा रोटेट हो रहा है, इसके अबाउट, है ना। तो दो स्पिंडल लगे हुए हैं आपके, एक इनर स्पिंडल है, एक आपका आउटर स्पिंडल है, इन दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, घूम जाएंगे, ताकि हम यहां पर क्या कर सकें, इस पूरे के पूरे थियोडोलाइट को हम क्या कर सकें, घुमा सकें, है ना, थियोडोलाइट के टेलीस्कोप को घुमा सकें कुल मिला के, ठीक है। अब देखो इसके बाद देखो यहां पर आपके पास दो प्लेट देखने को मिलेगी, एक आपको देखने को मिलेगी अपर प्लेट, एक आपको देखने को मिलेगी लोअर प्लेट। अब यहां पर मार्किंग आपने पढ़ी ली ऑलरेडी, तो लोअर प्लेट के ऊपर मेन स्केल लगी होती है, क्या लगी होती है, मेन स्केल, ठीक है। तो यहां पर लिख देते हैं सबसे पहले कि सर लोअर प्लेट के ऊपर, लोअर प्लेट के ऊपर मेन स्केल लगी होती है, क्या लगी होती है, मेन स्केल। तो कभी कभी एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि स्केल प्लेट किसको बोलते हैं, तो स्केल प्लेट आपकी कौन सी प्लेट होगी, तो स्केल प्लेट या फिर मेन स्केल प्लेट आपकी हो जाएगी लोअर प्लेट, है ना। तो क्वेश्चन अब पूछा गया था यहाँ पर कि स्केल प्लेट क्या होती है, तो स्केल प्लेट को आप यहाँ पर बोलेंगे लोअर प्लेट, ठीक है। और यहाँ पर अपर प्लेट जो होती है आपकी, अपर प्लेट के ऊपर वर्नियर लगे होते हैं, और वर्नियर दो लगे होते हैं, देखो दो वर्नियर लग रहे हैं आपके पास अपर प्लेट में, एक यहाँ लग रहा है एक यहाँ लग रहा है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर क्या बोल देंगे, वर्नियर प्लेट बोल देंगे। तो अपर प्लेट को हम यहाँ पर वर्नियर प्लेट बोल देते हैं, ये बात भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट नोट है ना, ये यहाँ पर लिखा मैंने अपर प्लेट और यहाँ पर लिख लिया आपने कौन सा, वर्नियर प्लेट, ठीक है। इसके बाद आप एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए हो सारे लगाने की कोशिश करना, सारे बन जाएंगे आपके, है ना। तो वर्नियर प्लेट बोलते हैं इसको, ठीक है। कितने वर्नियर लगे होते हैं, दो वर्नियर लगे होते हैं, ठीक है। और सेम तरीके से अगर यदि यहाँ पर चेक करोगे ऊपर जाओ, ऊपर देखो यहाँ पर है प्लेट लेवल, यहाँ पर क्या है, ये प्लेट लेवल है। और देखो प्लेट लेवल का मतलब है कि सर यहाँ पर जो आपको लेवल करना है ना, तो देखो यहाँ पर आपके पास एक बबल ट्यूब लगी होगी, ये देखो यहाँ पर, देखो अब यहाँ पर देखो, ये देखो बबल ट्यूब लगी हुई है एक, ये बबल ट्यूब आपके पास क्यों लगी हुई, ये प्लेट लेवल है आपका, ये देखो यहाँ पर इसके अंदर आपके अपर प्लेट और लोअर प्लेट इसके अंदर है यहाँ पर, है ना। तो ये दिखेगी नहीं आपको यहाँ पर, डायरेक्टली देखने को नहीं मिलेगी, ये इसके अबाउट में रोटेट हो जाती है, लेकिन है ना इसके अबाउट में ये रोटेट हो जाती है, आपको यहाँ से डायरेक्टली देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। ये आपके पास बबल ट्यूब लगी हुई है, बिल्कुल यहाँ पर कहाँ पर है, ये प्लेट लेवल पर लगी हुई है, प्लेट लेवल पर आपको बबल ट्यूब यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसका काम क्या है, देखो बबल ट्यूब क्यों काम आती है, देखो बबल ट्यूब कुछ ऐसी प्लेट होती है आपके पास, यहाँ पर देखो प्लेट लेवल पर बबल ट्यूब है, तो बबल ट्यूब कुछ ऐसा होता है इस तरह से, ठीक है, ठीक है। इसमें यहां पर फ्लूड भरा रहता है, और इस फ्लूड के अंदर आपने यहां पर एक बबल छोड़ा होता है, एक बबल छोड़ा होता है। अगर बबल सेंटर पे है, अगर बबल सेंटर पे है, तो इसका मतलब है कि सर आपके पास जो ये रखा हुआ है ना, आपके पास ये जो थियोडोलाइट आपने रखा हुआ है, ये थियोडोलाइट बिल्कुल क्या है, बिल्कुल अपनी हॉरिजॉन्टल कंडीशन में रखा हुआ है। कैसे कंडीशन में रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल कंडीशन में रखा हुआ है, यानी कि इसकी हॉरिजॉन्टल, देखो ये मैंने रख लिया बिल्कुल, यानी कि अगर मैं बात करूं कि बबल अगर मेरा सेंटर पे आ रहा है, देखो ये मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, ये इसको बबल ट्यूब मान लो आप, है ना। तो अगर यदि मैंने इसको ऐसा रखा है, तो बबल कभी भी आपका सेंटर में नहीं देखने को मिलेगा, है ना, अगर थोड़ी सी टेढ़ी कर दी तो ये जब भी बबल सेंटर में रहेगा, इसका मतलब है प्रॉपर तरीके से आपकी यहाँ पर लेवलिंग हो चुकी है। बबल सेंटर में इसका मतलब है आप हॉरिजॉन्टल प्लेन में आ चुके हो, ठीक है। कैसे आ चुके हो, हॉरिजॉन्टल प्लेन में आ चुके हो, यानी कि आपकी एक्सिस जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस बन चुकी है, ठीक है। तो ये करने के काम में आती है आपकी कौन, बबल ट्यूब, ये बबल ट्यूब आती है ना, बबल ट्यूब या फिर यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, प्लेट लेवल, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्लेट लेवल, ठीक है। अब देखो ये टेलीस्कोप दिख रहा है, बिल्कुल ये टेलीस्कोप के अंदर जिस जगह से आप यहाँ पर साइटिंग करने वाले हो, देखो एक जगह तो आपकी आंख रहेगी, एक जगह तो रहेगी आपकी आंख, और एक जगह से आपको यहाँ पर जो भी इमेज यहाँ पर आप देने वाले होंगे, जो भी साइटिंग आप यहाँ पर करने वाले होंगे, दूसरी साइड से करोगे। तो जिस साइड से साइटिंग होगी आपकी, इस पीस को आप यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, या ऑब्जेक्ट पीस बोल देते हैं ना, ऑब्जेक्ट पीस बोल देते हैं या ऑब्जेक्टिव बोल देते हैं ना। और जहां पर आंख लगी रहेगी, इसको आप यहाँ पर आई पीस बोल देते हैं। तो ये हो गया आपका एक आई पीस कंप्लीट, एक हो गया आपके पास कौन सा, ऑब्जेक्टिव पीस आपका बिल्कुल कंप्लीट, ठीक है। अब इसके अलावा देखो आप यहाँ पर, इसके अलावा आपको यहाँ पर दे रखा है कुछ एक एक्सेस दे रखी है, ये सारी बातें हम यहाँ पर कर लेंगे, है ना। अभी रुको, यहाँ पर आपको ये ए तरह का फ्रेम दिख रहा है, देखो यहाँ पर ए लिखा हुआ दिख रहा है आपको, बिल्कुल। तो इसको बोलते हैं यहाँ पर ए फ्रेम, इसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, इसको ए फ्रेम बोलते हैं। इस ए फ्रेम के थ्रू आपके पास यहाँ पर क्या रहता है, ये कनेक्टेड रहता है, ये क्या रहता है, कनेक्टेड रहता है। कौन कनेक्टेड रहता है, थियोडोलाइट आपका कनेक्टेड रहता है। अब यहाँ पर देखो इसके आगे कि सर यहाँ पर एक और बबल ट्यूब लगी हुई है, एक और देखो, एक तो यहाँ पर लगी हुई है, एक आपकी यहाँ लगी हुई है, ये बबल ट्यूब है आपकी। इस बबल ट्यूब को आप यहाँ पर एल्टीट्यूड बबल भी बोल देते हैं, ठीक है, क्या बोल देते हैं, एल्टीट्यूड बबल भी बोल देते हैं। अब ये वाली बबल ट्यूब आपकी इससे ज्यादा सेंसिटिव रहती है, यानी कि इससे ज्यादा ये ज्यादा सेंसिटिव है कंपेयर टू दिस। क्यों, क्योंकि देखो ये वाली अगर मैं बात करूं,
तो अगर यदि इसके बारे में बात करें तो यह हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को आपको कंट्रोल करने का काम कौन कर रही है, ये वाली बबल ट्यूब कर रही है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो लाइन ऑफ साइट को कंट्रोल करने का काम कौन कर रही है, ये कर रही है। लाइन ऑफ साइट का मतलब साइटिंग जो हम कर रहे हैं ना इस डायरेक्शन में, ये जो आपकी इमेजिनरी लाइन बनती है इसमें से, है ना, जिसके थ्रू आप यहां पर देख पाते हो, इसको आप लाइन ऑफ साइट बोल रहे हो, है ना। तो ये लाइन ऑफ साइट को कंट्रोल करने का काम करती है। अब देखो इसमें दिक्कत क्या आती है कि इसको ज्यादा सेंसिटिव क्यों बनाया। सेंसिटिव का मतलब है कि अगर हल्का सा भी हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऐसे इधर उधर खिसका ना मामला, ये क्या कर जाएगा, बबल हाथों हाथ ही भाग जाएगा, ज्यादा सेंसिटिव बबल है उसका, है ना। अब देखो क्या होता है कि हमें देखो यहां पर अगर मैं बात करूं तो आपको बहुत बहुत लंबे लंबे डायरेक्शन तक या लंबी लंबी दूरी तक आपको यहां पर क्या करनी पड़ेगी, आपको लाइन ऑफ साइट लेनी पड़ेगी, बिल्कुल। तो अगर यदि यहां पर मैं कह दूं आपसे, ये देखो छोटा सा एग्जांपल उठाता हूं आपके सामने, एग्जांपल देखो, देखो यहां से मैंने कह दिया कि इसको हटाओ, ये आपकी लाइन ऑफ साइट एक्चुअल थी हॉरिजॉन्टल प्लेन में, लेकिन आप यहां पर ले नहीं पाए इसको और आपने गलती से क्या कर दी, ये वाली ले लिया ना। मान लो ये अगर सेंसिटिव नहीं बनाते तो क्या फर्क पड़ता, देखो हल्की से हल्का सा डेविएशन आया, हल्का सा डेविएशन आया, हल्का सा डेविएशन कर दिया मैंने, ज्यादा नहीं किया, हल्का सा डेविएशन कर दिया। अब देखो यहां तक तो डेविएशन ठीक है कि सर यहां तक तो डेविएशन इतना सा पहुंचा है, यहां तक तो डेविएशन इतना सा पहुंचा है, 2 किलोमीटर बाद ये डेविएशन कितना हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। सीधी सी बात है, डेविएशन आपके पास इतना ज्यादा हो जाएगा कि दिक्कत बहुत ज्यादा आने लगेगी। तो यहां पर आपको इस लाइन ऑफ साइट को कंट्रोल करने के लिए ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए रादर देन दिस। इसमें तो क्या है सर, हल्का सा घूम गया तो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कितना घूम जाएगा, ज्यादा तो घूमेगा नहीं। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो लाइन ऑफ साइट को कंट्रोल करती है ये वाली, तो ये आपके पास क्या होनी चाहिए, ज्यादा सेंसिटिव होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर दिक्कत आई है ना। तो अभी तक तो ठीक है, जब 2-3 किलोमीटर आगे की रीडिंग ले रहे होंगे ना तो बहुत ज्यादा दिक्कतें आ जाएगी आपको, ये डिस्टेंस आपकी बहुत गलत आ जाएगी आपके पास, ठीक है, ये एंगल आपके गलत आ जाएंगे, है ना। तो जो भी एंगल आपके पास यहां पर शो हो रहे होंगे इसके अंदर, देखो एंगल शो कहां होते हैं, देखो ये देखो यहां पर देखो ये दिख रहा है बिल्कुल, तो यहां से आप यहां पर एंगल भी देख सकते हैं आराम से, एंगल देख लें आप आराम से, एंगल मेजरमेंट कर लें, इसके लिए यहां पर दे रखा है। ये देखो यहां पर आपके पास वैसे भी दोनों प्लेट लगी हुई है, एक पे वर्नियर सर्कल लगे हुए हैं और एक पे वो लगे हुए हैं। अब देखो जो वर्नियर भी लगे हुए हैं ना आपके, जो वर्नियर लगे हुए हैं वो देखो किस तरह से लगे हुए हैं, ये मैंने यहां पर बना दिया आपके सामने, बिल्कुल यहां पर आपके पास ग्रेजुएशन मार्क है, तो लेट मी से कि सर यहां पर 0 डिग्री मार्क है, यहां पर 180 डिग्री मार्क है, ठीक है, यहां पर 0 है, यहां पर 180 डिग्री है, ठीक है। तो यहां पर देखो एक आपके पास यहां पर मार्क है, एक आपके पास यहां पर मार्क है, यानी दो वर्नियर जो लगे हुए हैं एक दूसरे के साथ 180 डिग्री के एंगल पर लगे हुए हैं, ठीक है, कैसे लगे हुए हैं, एक दूसरे के साथ 180 डिग्री के एंगल पर लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये बात भी आपको यहां पर याद रखनी कि सर एक दूसरे से 180 डिग्री के एंगल पर आपके पास वर्नियर लगे हुए हैं, ये वर्नियर लगा हुआ है, मेन स्केल आपके पास यहां पर ऐसे लगी हुई है, मेन स्केल आपके पास यहां पर बनी हुई है, ठीक है। ये कैसे लगा हुआ है, किस तरह से रीडिंग लेते हैं, सारी बातें भी हम यहां पर कर लेंगे, पहले ये समझ लो, है ना। दो वर्नियर लगे आपके पास एक दूसरे से 180 डिग्री पे लगे हुए हैं, ठीक है। अब चलते हैं वापस पीछे की तरफ हो जाते हैं, चलो कहां तक पहुंच गए थे, यहां तक पहुंच गए। अब देखो अच्छा एक बात बताओ, इसको अगर यदि मेरे को घुमाना हो, अगर इसको मेरे को घुमाना हो, देखो ये हटा रहा हूं मैं बाकी सारी बातें, ठीक है, समझा दिया आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से। अब देखो यहां पर देखो अगर मेरे को इसको घुमाना है, किसको घुमाना है, अरे किसको घुमाएंगे, टेलीस्कोप को घुमाएंगे, ठीक है। तो टेलीस्कोप को अगर घुमाना है तो टेलीस्कोप किसके अबाउट घूमेगा, देखो यहां पर ये पिन दिख रही है, ये पिन दिख रही है, बिल्कुल इस पिन के अबाउट घूमेगा क्या, बिल्कुल ये पिन से, यार यहां पर पिन से फिट किया हुआ है, इसी के अबाउट में घुमाओगे टेलीस्कोप को कि कहीं और घुमाने वाले हो आप, नहीं, इसी के अबाउट में घूमेगा हमारा टेलीस्कोप, है ना। तो देखो कुल मिला के मैं यहां पर कह सकता हूं कि ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट में आप यहां पर क्या कर सकते हो, इसको आप यहां पर वर्टिकल डायरेक्शन में आप यहां पर रोटेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर इस वाली लाइन को आप यहां पर बोल देते हैं क्या, ये देखो ये अंदर की तरफ है ना, ये अंदर की तरफ जा रही है, कैसे बताऊं मैं इसको, कैसे बताऊं मैं इसको, देखो स्पिन के अबाउट में ये वाली लाइन है, ठीक है, ये पेन मान लो आप, है ना, इनसाइड इनसाइड, ठीक है। तो इसको आप यहां पर बोलते हैं कौन सी एक्सिस, ट्रनियन एक्सिस, क्या बोलते हैं इसको आप यहां पर, ट्रनियन एक्सिस। ट्रनियन एक्सिस के रेस्पेक्ट में आपका ये पूरा का पूरा क्या कर जाता है, ये घूम जाता है। ट्रनियन एक्सिस अगर यदि आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस नाम याद रख लो, हॉरिजॉन्टल एक्सिस नाम याद रख लो, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस के रेस्पेक्ट में हमारा ये जो पूरा का पूरा थियोडोलाइट है वो कैसे घूमता है, 180 डिग्री तक घूम जाता है प्लेन के अंदर, ठीक है, ओके, वर्टिकल प्लेन के अंदर, वर्टिकल प्लेन में घूमेगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट घूमेगा, घूमेगा कौन से प्लेन में, प्लेन होगा वर्टिकल प्लेन और एक्सिस होगी मेरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। अगर सर मैं इसको ऐसे नहीं घुमाना है ना, सिर्फ वर्टिकल नहीं घुमाना है, इस टेलीस्कोप को मेरे को ऐसे घुमाना है, ऐसे घुमाना है, तो सर ऐसे कैसे घूमेगा, तो देखो ऐसे घूमेगा ना ये, तो किस एक्सिस के अबाउट घूमेगा, तो देखो बीच में बिल्कुल मिडिल में जा रहा होगा, इसके बिल्कुल मिडिल से निकाल लो ये लाइन, बिल्कुल मिडिल से, है ना, तो उसी एक्सिस के अबाउट में ऐसे ऐसे घूमेगा, बिल्कुल बीच में, हाँ बिल्कुल। तो इसी तरह से आप यहां पर क्या कर देंगे कि सर इस एक्सिस के अबाउट, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट, तो ये कहां घूमता है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमता है, और यहां पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट में ये वर्टिकल प्लेन में घूमता है, ठीक है, ये बात याद रखना, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट घूमेगा वर्टिकल प्लेन में, और वर्टिकल प्लेन के, वर्टिकल प्लेन में घूमेगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट, और साथ ही बात करें तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमेगा वर्टिकल एक्सिस के अबाउट, ठीक है।
ओके, तो दोनों चीजें साइमल्टेनियसली अपोजिट है, ये मान के चल लेना आप, है ना। प्लेन घुमाना है तो एक्सिस चेंज कर लेना, एक्सिस घुमानी तो प्लेन चेंज कर देना, ठीक है। सिंपल है, एक को हॉरिजॉन्टल एक को वर्टिकल कर देना, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। ये आपके पास ये वर्टिकल एक्सिस जा रही है, ट्रूली वर्टिकल एक्सिस, और यहाँ पर ये आपका टेलीस्कोप लगा हुआ है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक इंपॉर्टेंट डाटा और रह गया, एक और चीज़ है, इसको और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पर हॉरिजॉन्टल का कंस्ट्रक्शन, सॉरी थ्रोडलाइट का कंस्ट्रक्शन तो आपने अच्छे तरीके से देख लिया होगा, है ना। देखो यहाँ पर ये सर्कल दिख रहा है इतना बड़ा, हाँ, इसी को मिस कर गए ना, बिल्कुल। इस सर्कल को आप यहाँ पर वर्टिकल सर्कल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको आप यहाँ पर, वर्टिकल सर्कल आप यहाँ पर इसको बोलते हैं। ये वर्टिकल सर्कल है आपका, ठीक है, क्या ये वर्टिकल सर्कल है। वर्टिकल सर्कल आपके पास वर्टिकल सर्कल के ऊपर भी यहाँ पर रीडिंग मार्क होती है ना, ठीक है। तो जब ऐसे घूमेगा तो रीडिंग्स भी आपकी इसके साथ साथ ही घूमती है ना। तो जब ये घूमेगा ना, आप इसको टेलीस्कोप को घुमाओगे तो रीडिंग भी साथ साथ घूमेगी, यहाँ पर आप रीडिंग भी देख सकते हो, है ना। तो रीडिंग भी मार्क्ड होती है इसके वर्टिकल सर्कल के ऊपर, ये वर्टिकल सर्कल आपके अटीच रहता है। अब इसके जस्ट उस साइड जाऊं मैं ना, अब इसको मैं इधर साइड से देखता हूँ, उस दूसरी साइड से देखता हूँ ना, तो यहाँ पर एक स्क्रू लगा होता है, ठीक है, जिसके थ्रू आप यहाँ पर फोकस करते हैं, ठीक है। तो आपने कैमरा देखा, कैमरा देखा होगा, बड़ा सा कैमरा कभी चलाया तो होगा ही, उसमें भी स्क्रू होता है ना एक, जिससे हम यहाँ पर फोकस वगैरह कर लेते हैं, वैसे फोकस करने के लिए यहाँ पर एक स्क्रू होता है, ठीक है। तो फोकसिंग स्क्रू इसके अपोजिट साइड में है, वो मैं दिखा नहीं सकता हूँ आप लोगों को, आप यहाँ पर चाहें तो गूगल कर सकते हैं, ठीक है, गूगल करके इमेज देख लेना, थ्रोडलाइट कर लेना, यार गूगल कर लेना, इमेज कर लेना, इमेज देख लेना, ठीक है, सिंपल है। वैसे जरूरत नहीं है कि स्क्रू लगा हुआ है, जैसे यहाँ पर ये स्क्रू लगा हुआ है ना, ऐसे ऐसे यहाँ पर एक स्क्रू लगा हुआ है साइड में, बस ये मान के चल लो आप, ठीक है। ये स्क्रू लगा हुआ ना, वैसे सेम एक स्क्रू उधर लगा हुआ है, ठीक है, उसको आप यहाँ पर फोकसिंग स्क्रू बोल देते हैं, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। तो ये हो गया मेरा थ्रोडलाइट का कंस्ट्रक्शन, बिल्कुल क्लियर हो गया, सारी बातें मैंने आपको बता दी, जितनी भी चीजें लेके आया था एक एक चीज मैंने यहाँ पर आपके साथ कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं एक एक करके यहाँ पर चीजों को देखते हैं, ठीक है, आ जाओ। अब सबसे पहले देखो क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रोडलाइट, थ्रोडलाइट क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रोडलाइट, थ्रोडलाइट का क्लासिफिकेशन देखते हैं सबसे पहले। देखो थ्रोडलाइट आपका दो तरह से क्लासिफाइड है, सबसे पहला है आपका ट्रांजिट थ्रोडलाइट, ट्रांजिट थ्रोडलाइट, और दूसरा आता है आपके पास नॉन ट्रांजिट थ्रोडलाइट। नॉन ट्रांजिट थ्रोडलाइट, अब देखो ये क्या होता है, ट्रांजिट थ्रोडलाइट, नॉन ट्रांजिट थ्रोडलाइट क्या होता है। तो ट्रांजिट थ्रोडलाइट वो थ्रोडलाइट है जो थ्रोडलाइट का टेलीस्कोप आपका 180 डिग्री तक घूम सकता है रिवॉल्व होके वर्टिकल प्लेन के अंदर, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं कह दूं कि अगर मैं इस पर्टिकुलर थ्रोडलाइट को 180 डिग्री तक घुमा दूं, यानी कि ये देखो अभी ऐसा है ना, तो बाद में इसको घुमाऊंगा, इसको ऐसे घुमाया, इसको घुमा के मैं अगर इसको ऐसा कर दूं ना कि ठीक है सर ये ऐसा हो गया मेरा, ये ठीक है, ये आई वेन इधर आ गई और यहां पर मेरे पास आई पीस इधर आ गया और ऑब्जेक्ट पीस इधर आ गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट पीस इधर आ गया, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर को हम यहां पर बोल देंगे क्या, कौन सा थ्रोडलाइट, ट्रांजिट थ्रोडलाइट। अगर लेकिन अगर हम यहां पर इसको घुमा नहीं सकते, अगर हम इसको घुमा नहीं सकते तो इस पर्टिकुलर टाइप के थ्रोडलाइट को आप यहां पर कह देंगे नॉन ट्रांजिट थ्रोडलाइट, ठीक है। तो नॉन ट्रांजिट थ्रोडलाइट आजकल ऑब्सोलीट हो चुके हैं, आजकल मतलब ऐसा यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इसके अंदर अगर आपको दूसरी डायरेक्शन में अगर आपको रीडिंग लेनी हो या फिर आपको यहाँ पर मेन ऑब्जर्वेशन लेना हो किसी भी तरह से, तो आप इसको उठाएंगे और वापस से लगाएंगे दूसरी डायरेक्शन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, हमारे साथ दिक्कत थोड़ी सी ज्यादा आ जाती है, ठीक है। और थ्रोडलाइट को आप यहाँ पर जब भी हम यहाँ पर रखेंगे तो देखो पूरे पूरे दिन सर्वे वर्क चलता रहता है आपका, तो आप इसको ना अपनी हाइट तक अरेंज करके रखते हैं, कहाँ रखते हैं, अपनी हाइट तक, है ना। तो जो भी आपके ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर की हाइट तक आप यहाँ पर इसको अरेंज कर देंगे, तो जब मेरा आई लेवल है आई लेवल के आसपास तक आपका क्या आ जाए, थ्रोडलाइट आ जाए, ताकि मुझे सब चीज़ें काम करने में थोड़ी सी आसानी रहे। अब पूरे दिन भर तो ज़्यादा हाइट पर कर नहीं सकता, कम हाइट पर जाऊँगा तो भी ज़्यादा झुक के करना पड़ेगा, तब भी पूरे दिन काम नहीं हो पाएगा मुझसे, है ना। तो उस चीज़ को भी थोड़ा सा यहाँ पर हम ध्यान रख के चलते हैं, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। अब देखो बढ़ते हैं आगे की तरफ, ये आपका हो गया। तो ट्रांजिट थ्रोडलाइट के अंदर मैं यहाँ पर आपको डेफिनेशन निकालना चालू करता हूँ, ठीक है। एफ द्यो थ्रोडलाइट एफ द टेलीस्कोप ऑफ थ्रोडलाइट कैन बी रिवॉल्व इन 180 डिग्री इन वर्टिकल प्लेन दिस टाइप ऑफ थ्रोडलाइट
इज नोन एज, नोन एज लिखा ही है ना, नोन एज ट्रांजिट थियोडोलाइट। अब देखो नॉन ट्रांजिट के अंदर यहां पर लिख देंगे कि इफ द टेलीस्कोप ऑफ थियोडोलाइट कैन नॉट बी रिवॉल्व इन 180 डिग्री इन वर्टिकल प्लेन देन सच थियोडोलाइट इज नोन एज नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट। ठीक है, इजी है, बढ़े आगे। बिल्कुल, हम देखो कुछ एक बेसिक डेफिनेशन हैं जो कि हमें यहां पर समझ लेना बहुत जरूरी है, उसी के बाद हम यहां पर क्या कर पाएंगे थियोडोलाइट के बारे में, जिस किस तरह से काम करेंगे, किस तरह से एंगल्स को मेजरमेंट करेंगे, किस तरह से यहां पर इससे सवाल पूछेंगे, वो सारी बातें आपके यहां से पूछ ली जाती है ना। तो सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन को हम यहां पर क्लियर कर लेते हैं, उसी के बाद हम यहां पर बात कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेता हूं मैं यहां पर, आपको कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर लिखाने जा रहा हूं। ये है आपके पास बेसिक डेफिनेशन, ये है आपके पास बेसिक डेफिनेशन। ठीक है, सबसे पहली आती है आपकी सेंटरिंग। तो देखो सबसे पहले देखेंगे सर सेंटरिंग, सेंटरिंग क्या होता है, कि सेंटरिंग क्या होती है, अच्छा किसी भी चीज की सेंटरिंग क्या होती है। तो देखो यहां पर मान लेता हूं, देखो अब इसको यहां पर है ना ऐसे समझो आप, ये आपके पास थियोडोलाइट है। ठीक है, ये थियोडोलाइट है पूरा, बस ये ऐसा ही बनाया मुझसे है ना, ये ऐसा ही बन पाया। ठीक है, अब देखो आपको यहाँ पर जो मेजरमेंट लेने होते हैं, हमें मेजरमेंट लेने होते हैं किस पे, ग्राउंड के ऊपर है ना। तो हमारा जो भी बनता है वो सब ग्राउंड के ऊपर बनता है, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है, कंफर्म है ना। तो ग्राउंड के ऊपर आपको ऑब्जर्वेशन लेने होते हैं, मैप भी बनेगा तो ग्राउंड के हिसाब से आपका मैप बनेगा है ना। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आपको पता होना चाहिए कि आपने थियोडोलाइट के अंदर जो आपने एंगल मेजरमेंट किया है तो किस किस पॉइंट के बीच में किया है। मान लो यहाँ पर मैंने किया है इस ए पॉइंट, इस ए पॉइंट और यहाँ पर इस बी पॉइंट के बीच, तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपने स्टेशन को बी पॉइंट के ऊपर ही रखा है ना। तो इसके लिए आप यहाँ पर सेंटरिंग करते हैं, क्योंकि आपका थियोडोलाइट तो हवा में, थियोडोलाइट तो हवा में, तो आपको यहाँ तो पता लग नहीं पाएगा कि थियोडोलाइट आपके पास एग्जैक्टली कहाँ पर प्लेस है। तो इसको हम यहाँ पर क्या करते हैं कि एग्जैक्टली लोकेट करने के लिए पॉइंट्स को हम यहाँ पर क्या कराते हैं, यहाँ पर सेंटरिंग कराते हैं। तो सेंटरिंग कराने के लिए आप यहाँ पर क्या करते हैं, प्लम्बो आपके पास जो होता है वो प्लम्बो को आप यहाँ पर ऐसे सस्पेंड करते हैं। ये प्लम्बो आपने डोरी के ऊपर ऐसा लटका हुआ था देखा होगा आपने ना, ये आपने जनरली काम करते देखा होगा किसी मेसन वगैरह के पास में है ना। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे तो हमारे पास पैग लगा हुआ है, और पैग के ऊपर आप यहाँ पर क्या कर देंगे, नीचे देखो यहाँ पर पैग लगाया हुआ है, ये पैग आपने लगाया हुआ है, पैग के ऊपर आप यहाँ पर सस्पेंड कर देते हैं जिस भी पॉइंट पे आपको यहाँ पर लोकेट कराना है। ठीक है, ऐसे डोरी सी होती है, डोरी के आगे आपके पास एक बॉब सा लटका होता है, प्लम बॉब सा लटका होता है, इसको हम प्लम बॉब बोल देते हैं। ठीक है, तो प्लम बॉब के थ्रू आप यहाँ पर इसके नीचे यहाँ पर देखो फिटिंग होती है, देखो खांचा आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये देखो ये दिख रहा है बिल्कुल। तो यहाँ से आपको यहाँ पर सस्पेंड कर देना है, ये आपने सस्पेंड कर देना है, बस प्लम्बो आपको यहाँ पर लटका देना है। ठीक है, ये प्लम्बो लटका है आपका काम हो जाएगा, सिंपल है। तो ये आपके पास होता है सबसे पहला सेंटरिंग। तो सेंटरिंग आप यहाँ पर क्यों करते हैं, सेंटरिंग करते हैं हम यहाँ पर ताकि हमारे पास जो भी स्टेशन है उस स्टेशन को हम यहाँ पर क्या करते हैं, एग्जैक्टली ग्राउंड के ऊपर मार्क कर सकें। ठीक है, तो इसको अगर यदि हम यहाँ पर डेफिनेशन को अगर मैं आपको यहाँ पर लिखने की कोशिश करूँ तो लिख देता हूँ आपके सामने, इट इज, इसको मिटा दें, चलो it is the process of setting up, it is the process of setting up the instrument exactly over the station. ठीक है, तो it is the ओवर द स्टेशन। अब यहाँ पर अगर आपको स्टेशन से समझ नहीं आता तो आप यहाँ पर स्टेशन मार्क भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, स्टेशन मार्क जहाँ पर आप पैग लगाया हुआ है, जिस जगह के ऊपर आपको यहाँ पर इस्टेब्लिश करना है पूरा थियोडोलाइट को, उस पॉइंट के ऊपर आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सेंटरिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है,
तो सेंटरिंग आपके पास समझ में आ गई बात, बिल्कुल ठीक है। अब सेकंड हमारे पास जो रहता है, सेकंड रहता है आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। बेसिक डेफिनेशन था हॉरिजॉन्टल एक्सिस। देखो हॉरिजॉन्टल एक्सिस को मैंने यहां पर एक और नाम बताया था आपको, ट्रनियन एक्सिस, है ना, ट्रनियन एक्सिस, और या फिर इसका एक और नाम मैं यहां पर आपको बोल सकता हूं ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है। तो कोई भी एक्सिस का नाम ले दे आप लोगों को पता चल जाना चाहिए इट इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट में आपका, अगर मैं कह दूं कि आपका टेलीस्कोप घूमेगा तो टेलीस्कोप कौन से प्लेन में घूमेगा, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है तो वर्टिकल प्लेन में घूमेगा। यानी कि अगर इसको वर्टिकल प्लेन में घुमाना है, इस टेलीस्कोप को वर्टिकल प्लेन में घुमाना है, तो आपके पास काम कौन सी एक्सिस आएगी, हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपकी काम में आएगी, ठीक है। तो यहां पर लिख देते हैं, सबसे पहले ये वाला पॉइंट भी हम यहां पर मार्क कर देते हैं कि इट इज द एक्सिस अबाउट विच द टेलीस्कोप ऑफ द थियोडोलाइट is revolved in vertical plane, ठीक है। वो यही कंफ्यूज कर देगा आप लोगों को, है ना। अभी यहां पर जब ऑप्शन देगा बोलेगा कि सर हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन भी ऑप्शन देगा, है ना। तो इस तरह से तीन चार ऑप्शन देगा और कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, लेकिन आप लोगों को भटकना नहीं है कभी भी, है ना। तो प्लेन है तो आपको यहां पर एक्सिस ले लेनी है, और एक्सिस है तो प्लेन ले लेना है, ठीक है, सिंपल है, बिल्कुल। थर्ड नंबर पर अगर मैं बात करूं तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बाद आपके पास आती है वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। वर्टिकल एक्सिस क्या होती है, तो वर्टिकल एक्सिस के बारे में लिखा देता हूं आप लोगों को कि इट इज द एक्सिस। अब वर्टिकल एक्सिस से तो कौन से प्लेन में घूमेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, यानी कि ये वर्टिकल एक्सिस है, ये वर्टिकल एक्सिस है, ये उंगली, ठीक है। इसके अबाउट में अगर मैं इसको घुमाऊंगा तो कैसे घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा, ठीक है, ऐसे घूमेगा, ठीक है, ये घूमेगा, ठीक है। तो ये कौन से किस में घूमा आपका, हॉरिजॉन्टल में घूमा, ठीक है। तो इट इज द एक्सिस अबाउट विच the telescope of the theodolite is revolved in horizontal plane, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट है आपके पास फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब देखो फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन या फेस लेफ्ट आपका क्या होता है, अगर यहां पर देखो जो मैंने वर्टिकल सर्कल आपको बताया ना, वर्टिकल सर्कल जो कि टेलीस्कोप के साथ आपके पास यहां पर लगा हुआ है ना। अगेन मैं यहां पर एक एक चीजें फिर से क्लियर करते चलूंगा ताकि दो बार में आपको लोगों चीजें बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली कंफर्म हो जाए, है ना। तो देखो ये आपके पास होता है, ये वर्टिकल सर्कल होता है, ये वर्टिकल सर्कल आपका कनेक्टेड होता है इस ए फ्रेम से, है ना। ये बात हम यहाँ पर पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। इस ए फ्रेम से आपका वर्टिकल सर्कल क्या है, कनेक्टेड है। ये वर्टिकल सर्कल जो है आपका, इसके ऊपर मार्किंग आपके पास लगी हुई होती है, और ये आपका कनेक्टर रहता है किसके साथ, टेलीस्कोप के साथ। तो जैसे जैसे टेलीस्कोप घूमेगा वैसे वैसे वर्टिकल सर्कल आपका घूमता है ना। अब इसके अंदर आपके पास यहाँ पर याद क्या रखना है इसके बारे में, इसकी डेफिनेशन के बारे में क्या पूछ सकता है आपसे कि फेसलिफ्ट ऑब्जर्वेशन क्या होता है। अगर आपका वर्टिकल सर्कल, जब आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, यानी कि अभी यहाँ पर ऑब्जर्वेशन आप लेने जाओ, है ना, इस जगह पे आप यहाँ पर ऑब्जर्वेशन लोगे, तो ऑब्जर्वेशन के लिए आप यहाँ पर आईपीस पे खड़े रहोगे कि ऑब्जेक्ट पीस पे खड़े रहोगे, आईपीस पे खड़े रहोगे, है ना। अभी यहाँ पर आईपीस कौन सा वाला है, ऑब्जेक्ट पीस कौन सा वाला है, तो देखो आईपीस आपका ये वाला है, छोटा वाला आईपीस है, और बड़ा वाला ऑब्जेक्ट पीस है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है, बिल्कुल। तो यहां से जो आप यहां पर देखोगे, ये देखो आग बना दी मैंने ना, अब यार थोड़ी सी बेकार से बनी है, बाकी ठीक है आप मान लो, ठीक है। यहां पर आप खड़े हो, ठीक है, आप यहां पर ऑब्जर्वर हो और आप यहां पर खड़े हो, तो आप ये एक बात मेरे को बताओ कि जब आप यहां से देखोगे तो आपका वर्टिकल सर्कल लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, है ना, लेफ्ट साइड में। तो यहां पर ये बबल ट्यूब दिख रही है आपको, तो बबल ट्यूब के अंदर एक चीज आप ढंग से देखो, इसको मैं जूम कर देता हूं थोड़ा सा ना, इसको जूम कर देता हूं, यहां पर इसको बताता हूं मैं, ये देखो आपको यहां पर ये कुछ ऐसी सी दिख रही है आपको, ठीक है, और ऊपर से ऐसी सी दिख रही है, वैसे भी दिखी नहीं थी, मैंने बस इसको थोड़ा सा ज्यादा मार्क कर दिया, है ना। तो यहां पर दे क्या रखा है, यानी कि यहां पर बबल जो है, आप यहां पर बबल को जब आप यहां पर देखोगे तो बबल को आप यहां पर ऊपर से देखोगे, बबल को कैसे देखोगे, ऊपर से देखोगे, है ना। हाँ,
तो यहां पर अगर इस कंडीशन में कह दूं तो बबल को आप यहां पर ऊपर से देखोगे, यहां पर आपको बबल देखने को मिलेगा, है ना। इस जगह पर कहीं बबल आपको यहां पर देखने को मिलेगा, अंदर की तरफ होगा थोड़ा, है ना। ठीक है, अब यहां पर देख लिया, चलो इतनी चीजें कर दी क्लियर, बिल्कुल। अब देखो, अच्छा बहुतों को ये लग रहा होगा कि सर ये ऊपर लगा हुआ ये क्या है, इसके बारे में पूछोगे, अभी बताएंगे, उस पर भी आएंगे अभी, रुको। तो बबल ट्यूब को देखना पड़ेगा, यहां पर अगर मेरे को देखना हो तो यहां पर मैं ऊपर से देख सकता हूं, है ना, ये भी दिख रहा है बिल्कुल। और यहां पर हमें क्लेरिटी के साथ दिख जाए इसलिए हम क्या करते हैं, देखो ये मिरर लगा हुआ है यहां पर ना, ये रियर रिफ्लेक्टेड मिरर लगा हुआ है आपके पास, तो यहां से आपको डायरेक्ट इसमें देखना है, ऊपर जाके कौन देखेगा, ऊपर से कौन कूद के देखेगा इसमें, है ना। तो यहां पर डायरेक्टली आपको इसकी इमेज दिख जाती है आपको कि बबल सेंटर पर है कि नहीं है, ठीक है, सिंपल है। इसीलिए आपके पास वो लगा रहता है, उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो आप, है ना। शोपीस के लिए कुछ भी नहीं लगा हुआ है इसमें, है ना, ठीक है। शोपीस करके यहाँ पर इसको कोई मजे नहीं आ जाते कि हमें सर शोपीस करना है ना, शोपीस के लिए नहीं लगा हुआ यहाँ पर, कुछ भी नहीं है शोपीस के लिए, है ना, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं वापस अगेन, क्योंकि हमारा ये भी काम आएगा अभी, है ना। चलो देखो, तो यहाँ पर लिख दिया आपको आगे बात कि सर फेस लेफ्ट समझ में आ गया, बिल्कुल। तो फेस लेफ्ट आपके पास क्या होता है, तो एफ द वर्टिकल सर्कल, इफ द वर्टिकल सर्कल इज एट लेफ्ट ऑफ ऑब्जर्वर, द पोजिशन इज कॉल्ड फेस लेफ्ट, ठीक है। अब देखो, फेस लेफ्ट के टाइम पे बबल आपको अपसाइड दिख रहा है, बिल्कुल। तो इस कंडीशन को आप यहां पर बबल अप कंडीशन भी बोलते हैं ना, या बबल अप कह दो। अब देखो इसमें ना एक नाम हो रहा है, देखो बबल अप के अलावा एक नाम हो रहा है, इसको आप यहां पर डायरेक्टेड कंडीशन भी बोलते हैं ना, बबल अप या फिर डायरेक्ट कंडीशन भी आप इसी को बोलते हैं, डायरेक्ट कंडीशन ऑफ थ्योरल लाइट, ठीक है। तो बबल अप के नाम से दिखे, चाहे डायरेक्ट कंडीशन ऑफ थ्योरल लाइट से नाम से आप तो पूछ ले, तो यही कहलाती है ना, ठीक है। अब देखो सेकंड है, सेकंड आपके पास निकल के आएगा यहां पर, देखो फेस लेफ्ट के बाद फेस राइट, है ना। फेस राइट का मतलब क्या है कि वर्टिकल सर्कल अब राइट में होगा ऑब्जर्वर के, ठीक है। तो यहां पर देखो, इफ द वर्टिकल सर्कल इज एट राइट ऑफ, इज इट राइट हैंड ऑफ ऑब्जर्वर, दिस कंडीशन इज नॉन एज फेस राइट, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर अगर मैंने कह रही है वर्टिकल सर्कल के लेफ्ट हैंड की तरफ है तो लेफ्ट, तो फेस लेफ्ट कह देंगे, राइट की तरफ है तो राइट कह देंगे। अब फेस लेफ्ट से फेस राइट क्यों कैसे जाया जाएगा, सर फेस लेफ्ट से फेस राइट पे अगर जाना है तो कैसे जाएंगे, देखो यहां पर, देखो यहां पर मान लो मुझे साइटिंग करनी है, क्या करनी है मुझे यहां पर, मान लो साइटिंग करनी है, सर साइटिंग करनी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर मान लो कि कोई भी यहां पर ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को आपको यहां पर साइट करना है, ठीक है। अभी फेस लेफ्ट कंडीशन पे, फेस लेफ्ट से फेस राइट पे जाओ तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो आप इसको रिवॉल्व करोगे, इसको रिवॉल्व करोगे तो देखो, इसको आपने घुमा के ऐसे कर दिया, बिल्कुल, इसको घुमा के आपने यहां पर ऐसे कर दिया, इसकी रीडिंग्स चेंज होगी, ये वर्टिकल सर्कल यहीं पर रहेगा, वर्टिकल सर्कल नहीं घूमता है साथ में, वर्टिकल सर्कल क्लैंप्ड है, लेकिन रीडिंग्स चेंज हो जाती है आपकी ना, रीडिंग घूमती है सिर्फ और सिर्फ, ये दोनों बातें आपकी अलग अलग है। आप ये सोचो कि सर ने बोला था वर्टिकल सर्कल की रीडिंग भी साथ घूमती है, तो वर्टिकल सर्कल साथ नहीं घूमता है, रीडिंग साथ घूमती है, ठीक है। वर्टिकल, अब देखो वर्टिकल सर्कल अब कहां आ गया, अब राइट हैंड साइड पर रह गया, वर्टिकल सर्कल कहां रह गया, राइट हैंड साइड पर आ गया, तो अब इसको कह देंगे फेस कौन सी कंडीशन, फेस राइट कंडीशन, लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट तो यहां पर है, हमारा ऑब्जेक्ट तो यहां पर है, तो सर हम क्या करेंगे, देखो पहले तो हमने यहां पर था, यहां से आपने उठा के सबसे पहले ऐसे लेके गए, ऐसे घुमा के आप वापस इसको ऐसे उठा के लेके आओगे, तो आपको दो डायरेक्शन में रोटेशन कराना होता है, अगर यदि आपको फेस लेफ्ट से फेस राइट पे जाना है तो आपको यहां पर वर्टिकल प्लेन में भी घुमाना पड़ेगा, इसको वापस हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी घुमाना पड़ेगा, ठीक है। वर्टिकल प्लेन में घुमाओगे पहले 180 डिग्री, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, उसको क्या कर लोगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमा के लेके आओगे, ठीक है। अब इसी काम को आप यहां पर बोल देते हैं, यहां पर सर फेस लेफ्ट और फेस राइट को इसको चेंजिंग फेस बोल देते हैं, ठीक है। तो फेस लेफ्ट से फेस राइट पे गए तो इसको चेंजिंग फेस बोल देंगे, तो फेस लेफ्ट से फेस राइट पे जाना, फेस राइट से फेस लेफ्ट पे जाना, ये दोनों के दोनों वाइस वर्सा डिसीजन आपके पास क्या कहलाएंगे, चेंजिंग फेस कहलाएंगे। इस पॉइंट को मेंशन कर देते हैं ना, यहां पर लिख देता हूं नेक्स्ट, ये भी पूछेगा आपसे चेंजिंग फेस क्या होता है,
चेंजिंग फेज, ठीक है, इसको भी यहां पर लिख लें साथ के साथ ही डेफिनेशन. इट इज द ऑपरेशन टू ब्रिंग फेसलिफ्ट कंडीशन टू द फेस राइट कंडीशन टू द टेलीस्कोप ऑफ द थियोडोलाइट. ठीक है, एंड वाइस वर्सा. ठीक है, देखो फेस लेफ्ट से फेस राइट जाओ, फेस राइट से फेस लेफ्ट चले जाओ, दोनों बातें एक ही है. आपके पास ये कहलाएगा क्या, चेंजिंग फेस कहलाएगा आपका, है ना. यहां से आपसे हो सकता है सवाल पूछ ले. नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर. नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है, नेक्स्ट है आपके पास यहां पर ट्रांजिटिंग. अब सर ट्रांजिटिंग क्या होती है, ट्रांजिटिंग इसको बहुत सी बार प्लंजिंग के नाम से बोल देता है. प्लंजिंग क्या होती है, या इसी को आप यहां पर रिवॉल्विंग बोल देते हैं. अब तो रिवॉल्विंग तो समझ आ गया होगा बिल्कुल. टेलीस्कोप को 180 डिग्री इन प्लेन के अंदर घुमाना, वर्टिकल प्लेन में 180 डिग्री घुमाना क्या कहलाएगा आपका, ट्रांजिटिंग, रिवॉल्विंग, या फिर आप उसको कह सकते हैं प्लंजिंग. ठीक है, तो प्लंजिंग 180 डिग्री में घुमाएगा तो किस में घुमाएगा, 180 डिग्री वर्टिकल प्लेन में. वर्टिकल प्लेन में घुमाएगा तो किस एक्सिस के अबाउट घुमाएगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट घुमाएगा. ठीक है, सिंपल है. तो यहां पर लिख देते हैं, इट इज द ऑपरेशन, इट इज द ऑपरेशन ऑफ रिवॉल्विंग द टेलीस्कोप ऑफ थियोडोलाइट एट 180 डिग्री इन वर्टिकल प्लेन अबाउट इट्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस. ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट में वर्टिकल प्लेन में 180 डिग्री तक घुमाना, कितना भी घुमा लो आप लोग, है ना. ठीक है, तो इसी को आप यहां पर ट्रांजिटिंग या प्लंजिंग बोल देते हैं. ठीक है, ट्रांजिटिंग प्लंजिंग के अलावा, अब देखो ये तो हो गया मेरा वर्टिकल डायरेक्शन में घुमाना. अब होता है सर हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी तो घुमाऊंगा मैं, बिल्कुल. तो यहां पर इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमाने को हम यहां पर क्या बोल देंगे, इस पर्टिकुलर चीज को हम यहां पर बोल देते हैं स्विंगिंग. क्या बोलते हैं, स्विंगिंग. ठीक है, स्विंगिंग. ठीक है, स्विंगिंग याद रखना है, यहां पर कंफ्यूज मत हो जाना. स्विंगिंग किसको कहते हैं, ट्रांजिटिंग किसको कहते हैं. ठीक है, तो यहां पर लिख देता हूं इसको मैं, इट इज द ऑपरेशन ऑफ रिवॉल्विंग द थियोडोलाइट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट इट्स. अब हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमाएगा तो किस एक्सिस के अबाउट में घुमाएगा, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट में घुमाएगा, तो अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस. दैट इज नोन एज योर स्विंगिंग. ठीक है, स्विंगिंग ऑफ अ थियोडोलाइट और ट्रांजिटिंग ऑफ अ थियोडोलाइट के नाम से आपसे यहां पर पूछ सकता है. ठीक है, अब देखो दो यहां पर दो इंपॉर्टेंट टर्म हो रहे हैं, नोट डाल के आप यहां पर उनको उनके बारे में लिखेंगे. अब चूंकि मैंने आप लोगों को बोला हुआ है कि जो आपका थियोडोलाइट है वो आपका लोकेटिंग पॉइंट्स ऑन लाइन के काम आता है, सर्वे लाइन को प्रोलोंग करने के काम में आता है, रेंजिंग ऑफ द कर्व के काम में आता है, फाइंडिंग डिफरेंस इन एलिवेशन के अंदर आपके काम आता है, तो यहां पर एक छोटा सा पॉइंट है उसको मैं यहां पर आपके साथ मेंशन करके लिखा रहा हूं कि एक नोट डाल के लिख लेंगे यहां पर. तो दो पॉइंट होते हैं आपके, ना, एक देखो छोटी छोटी डेफिनेशन से आपसे पूछ ले, एक होता है बैलेंसिंग इन, एक होता है आपका लाइनिंग इन, है ना. तो बैलेंसिंग इन और एक होती है लाइनिंग इन, एक होती है लाइनिंग इन. ठीक है, अब यहां पर देखो मैं बैलेंसिंग इन इधर लिख देता हूं, लाइनिंग इधर लिख देता हूं. ठीक है, अब पहले मैं यहां पर आपको लाइनिंग इन को यहां पर डिफाइन करके देता हूं. ठीक है, पहले लाइनिंग इन को डिफाइन कर लेते हैं. देखो इसके बारे में देखो ज्यादा कुछ नहीं लिखाना है मेरे को, जो रेंजिंग करते हैं ना हम यहाँ पर, तो रेंजिंग करते हैं अगर दो पॉइंट्स, देखो कोई भी आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर आपको इंटरमीडिएट पॉइंट आपको यहाँ पर एस्टेब्लिश करना है.
ठीक है। तो ये प्रोसेस आपकी रेंजिंग कहलाती है ना, कुल मिला के सीधी सी बात है। लेकिन अगर यदि आप यहाँ पर इसको थ्रोडलाइट की मदद से करते हैं, सेम प्रोसेस को, इंटरमीडिएट पॉइंट को अगर यदि आप यहाँ पर स्टैब्लिश करा रहे हैं दो पॉइंट्स के बीच में, और दोनों पॉइंट्स आपके इंटरविजिबल हैं, यानी कि एक दूसरे को विजिबल है, म्यूचुअली विजिबल है आपके, है ना, तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को आप यहाँ पर लाइनिंग इन बोल देंगे। अगर वो दोनों पॉइंट आपके इनविजिबल हैं एक दूसरे के साथ, तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को आप यहाँ पर बैलेंसिंग इन बोल देंगे, ठीक है। तो कुल मिला के इंटरमीडिएट पॉइंट को स्टैब्लिश कराना, लेकिन यहाँ पर इंटरमीडिएट पॉइंट को जब आप स्टैब्लिश करा रहे हैं तो उसके दौरान में अगर दोनों पॉइंट एक दूसरे से विजिबल हैं, आसानी से दिख पा रहे हैं, तो आप यहाँ पर इसको लाइनिंग इन बोल देंगे और यहाँ पर आपके बैलेंसिंग इन बोल देंगे अगर नहीं दिख पा रहे हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पर लाइनिंग इन में लिख देता हूँ, तो यहाँ पर लिखेंगे इट इज द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग द इंटरमीडिएट पॉइंट्स ऑन ए गिवन स्ट्रेट लाइन व्हेन बोथ एंड्स आर विजिबल टू ईच अदर, ठीक है, सिंपल है। अब इसी को यहां पर लिख देंगे, इट इज द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग द इंटरमीडिएट पॉइंट ऑन ए गिवन स्ट्रेट लाइन व्हेन बोथ एंड्स आर invisible to each other, simple है। तो that's it, आज के लिए फिलहाल इतना ही, बाकी देखेंगे next session में। bye, thanks for watching, और आपको I hope ये video बहुत अच्छा लगा होगा, है ना।